हम सदबुद्धि एलजी साहब को दिवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे कैबिनेट के मंत्री सत्येंद्र जैन जी का आमरण अनशन जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि एलजी हमारी कोई भी बात मान नहीं रहा है जो कि दिल्ली की जनता के हितों की बात है। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता के लिए कर रहे हैं, तो एलजी क्यों टांग अड़ा रहा है? अगर ऐसे हरकतें कर रहे हैं, किसी के कहने पर कर रहे हैं जो भी है, लेकिन हमें अगर वो काम नहीं करने दिए जाएंगे तो हम गाने के माध्यम से भी और अपने प्रदर्शन के माध्यम से भी यही बात बोलेंगे कि एलजी से मुक्ति दे भगवान। लेकिन अभी जब बीजेपी जब सत्ता में, जब बीजेपी कहती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, फिर कांग्रेस आई, कांग्रेस कहती है पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, आज आम आदमी भी अपील करे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन क्या कारण है, कहाँ खटाई ऐसी अटक गई है कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला? देखो, कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टी ये समझ रही हैं कि अगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण दर्जा दिलवा दिया तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब विपक्ष में बीजेपी थी तो उसने बोला कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, और प्रोटेस्ट भी करती थी, जगह जगह प्रदर्शन भी करती थी, कांग्रेस भी करती थी, जगह जगह प्रोटेस्ट भी करती थी। तो ये दोनों मामा फूफी के जो बच्चे हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये दिल्ली को पूर्ण दर्जा दिलाने के लिए काम करते आए हैं, लेकिन आज अगर दिल्ली को पूर्ण दर्जा हम दिलाना चाहते हैं आम आदमी पार्टी, तो इन दोनों मामा फूफी के बीजेपी और कांग्रेस को लगता है कि अगर इस पार्टी ने ये काम कर दिया और हम करके दिखाएंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम करके दिखाएंगे, तो ये दोनों खत्म होते दिख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के हितों की बात हम कर रहे हैं, हम अपनी बात तो कर नहीं रहे। हमने अपने लिए क्या मांगा है? हमने अगर कुछ मांगा है तो दिल्ली की जनता के लिए मांगा है, और दिल्ली की जनता के लिए हम पूर्ण राज्य दर्जा दिला के रहेंगे, ये हमारी मांग है।